जय हिंद जय हिंद। नहीं, अलग कैसे? बिल्कुल नहीं, सेम डे जैसा है, अलग क्या है? अलग कुछ नहीं है। सेम डे जैसा ही है, जो सिंड्रोम होता है ना गौरव जी, सिंड्रोम टर्म इस्तेमाल किया जाता है घातक चीजों के लिए, ठीक है ना, डेंजरस चीजों के लिए। तो जो नया सिंड्रोम मिला नहीं है उसको नाम दे दिया गया है, ठीक है, हवाना सिंड्रोम। एक इसको माइक्रोवेव वेपन्स होती है, जो भी लद्दाख बॉर्डर पे ये मीडिया में न्यूज आ रही थी कि चाइना माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल करता है, कर रहा है, जिससे जो सैनिक होते हैं हमारे बीमार पड़ जा रहे हैं, बट वो गलत साबित हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सेना ने इसकी पुष्टि की है। तो माइक्रोवेव वेपन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कोई हथियार नहीं होता है, ये हाई एनर्जी की किरणें होती हैं, जब आपके शरीर पे पड़ती हैं तो आपके शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, और जब शरीर के टेम्परेचर बढ़ जाता है तो शरीर में पानी की कमी अचानक शुरू हो जाती है, पानी और साल्ट की, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में शरीर पहुंच जाता है, आपका बीपी लो होने लगता है, आपको मूर्छा आने लगती है और आप बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को नाम दे दिया गया है हवाना सिंड्रोम, ठीक है ना, मिला नहीं है, नाम दिया गया, ठीक है। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो, एक्सरे क्या होता है, ये आपके बॉडी में जो सॉफ्ट ऑर्गन और हार्ड ऑर्गन होते हैं वो उनकी इमेज लेता है। तो एक्सरे भी हाई एनर्जी वाली किरणें होती हैं, तो बार बार अगर आप एक्सरे से गुजरते हो तो इस एक्सरे के कारण हमारा जेनेटिक मटेरियल्स में चेंजिंग होने की संभावनाएं हो सकती हैं, कैंसर की भी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, डीएनए और आरएनए में, विशेष तौर से डीएनए में भी बदलाव होने की संभावनाएं हो सकती हैं, इसलिए बार बार एक्सरे नहीं करवाया जाता है। अक्सर देखिए, जो गायनोलॉजिस्ट होती हैं, जो गर्भ में बच्चे पल रहे होते हैं, उनका भी डॉक्टर बार बार अल्ट्रासाउंड एक्सरे वगैरह करने से रोकती है। वो इसलिए रोकती हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी जेनेटिक समस्या ना उत्पन्न हो जाए। तो माइक्रोवेव्स, एक्सरे वगैरह ये सब क्या होती है, बहुत डेंजरस होती है, बार बार इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल डीजी, देखो किसी चीज को यंग करना ये जीन थेरेपी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, चाहे कोई भी बॉडी का पार्ट,
हाँ, अगर वो खराब हो गया है तो उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। आंखों की रेटिना की मरम्मत की जा सकती है, आंखों की रेटिना को ठीक किया जा सकता है, अंधेपन का भी उपचार पॉसिबल है, इससे पॉसिबल तो है ही है। क्या टॉपिक चल रहा था? जाइगोट में डिवीजन होता है अजीत जी, तो जाइगोट में डिवीजन जो 15वां और 16वां डिवीजन होता है उसको ब्लास्टोसिस स्टेज बोलते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए चिकला, ठीक है। जी नहीं, बॉडी में ब्लड का स्पॉट जमना ब्लड कैंसर नहीं होता है। ब्लड कैंसर का मतलब होता है WBC की संख्या का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना। अगर WBC की संख्या 50,000 के ऊपर होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको ब्लड कैंसर हो गया है, और 1.5 लाख होने पर 100% पुष्टि होती है ब्लड कैंसर की। ठीक है, चलिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अब देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कुछ अलग नहीं है। सेम जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी है, ठीक है। कि ये कोई अलग तकनीकी मत इसको समझ लेना। जीन अभियांत्रिकी के द्वारा, ठीक है, जीन अभियांत्रिकी के द्वारा हम जब किसी जीव में उसकी आनुवंशिक संरचना में जब कोई हम अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन करने के बाद उससे हम अपनी ही इच्छा अनुसार उत्पादों को प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो यही प्रक्रिया कहलाती है हमारी पुनर्संयोजी डीएनए तकनीकी, ठीक है। यानी कि इस तकनीकी के द्वारा जीवों में उनके आनुवंशिक परिवर्तन करके हम अपने लायक जो भी उपयोगी उत्पादों का निर्माण करते हैं, तो जो हम उपयोगी उत्पादों का अपने लायक निर्माण करते हैं, तो यह जो प्रक्रिया होती है वह पुनर्संयोजी डीएनए तकनीकी के अंतर्गत आती है। क्योंकि उनका जो जीवों का जो आनुवंशिक परिवर्तन होता है, तो वो जीव कौन से होते हैं? ई कोलाई, वो जीवाणु होता है, वो एक प्रकार का जीवाणु होता है, और वह जीवाणु कहलाता है ई कोलाई। और इस ई कोलाई जीवाणु को हम डाइजेशन में भी आपको बता चुके हैं कि यह जो जीवाणु होता है प्राकृतिक तौर पर हमारी बड़ी आंख में कि छोटी आंख में, बड़ी आंत में पाया जाता है, ठीक है। तो अब इस ई कोलाई का जो डीएनए होता है, इस डीएनए में हम क्या करते हैं, विशेष तौर से दो प्रकार के, ठीक है,
हाँ तो सुनिए दीपक जी, इस तकनीकी के द्वारा किसी जीव, ठीक है ना, डिफिनेशन लिख लीजिए, इस तकनीकी के द्वारा किसी जीव की आनुवंशिक संरचना में वांछित परिवर्तन करके अपने लायक उपयोगी उत्पादों का निर्माण करना पुनर्संयोजी डीएनए तकनीकी कहलाता है। आवाज नहीं आ रही क्या? आ तो रही है। अब सोनम जी आपको आवाज नहीं आ रही है, आप अपना हेडफोन चेक कर लेना, हो सकता है कि नेट कनेक्टिविटी आपके यहां कुछ ठीक ना हो। ठीक, यहां से क्लियर है सब? इस तकनीकी के द्वारा, आराम से तो बोल रहा हूं, कितना आराम से बोलूं अब? अच्छा, और भी आराम से बोलूं? इस तकनीकी के द्वारा किसी जीव की आनुवंशिक संरचना में वांछित परिवर्तन कर वांछित परिवर्तन कर अपने लायक उपयोगी उत्पादों का निर्माण करना उपयोगी उत्पादों का निर्माण करना पुनर्संयोजी डीएनए तकनीकी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इस प्रक्रिया में जो होता है, मैं तो लिख रहा हूं तो लिख लीजिए, इस तकनीकी में दो प्रकार के एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है। पहला रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लिएज, इस तकनीकी में दो प्रकार के एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है। पहला रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लिएज, जो ये वांछित डीएनए को काटने का कार्य करते हैं, जबकि दूसरा एंजाइम्स लाइगेज प्रयोग किया जाता है, जो डीएनए को जोड़ने का कार्य करते हैं। डीएनए को जोड़ने का कार्य करते हैं, फुल स्टॉप। वर्तमान में इस तकनीकी का उपयोग कर वर्तमान में इस तकनीकी का उपयोग कर औद्योगिक स्तर पर ई कोलाई जीवाणुओं द्वारा इंसुलिन एवं ग्रोथ हार्मोन्स का उत्पादन किया जा रहा है। इंसुलिन एवं ग्रोथ हार्मोन्स का उत्पादन किया जा रहा है। क्लियर? बस इतना ही।
तो ये इतना पूरा पार्ट था आपका जेनेटिक बायो टेक्नोलॉजी का। अब उसके बाद देखिए, जब मैंने आपको बायो टेक्नोलॉजी बताया था क्लासिफिकेशन, तो क्या था, बेस्ड ऑन यूज और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, और इस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर को हमने बताया था जेनेटिक और नॉन जेनेटिक। तो अभी तक जो चल रहा था वो क्या था, जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी था, ठीक है। अब नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी में तीन चीजें हैं, पहला बायो सेंसर, दूसरा बायो सिग्नेचर, और तीसरा है आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक। इतना ही तो है, बायो सेंसर, बायो सिग्नेचर और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सेकेंड टाइप इन लाइगेज एंजाइम था, लाइगेज, ठीक है। बायो सेंसर को हम बोलते हैं जैव संवेदक, बायो सिग्नेचर को हम बोलते हैं जैव हस्ताक्षर, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स को हम बोलते हैं जैव सूचना, ठीक है। ये सब किसमें होते हैं, नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी। देखो, नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, तो नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके ऐसी चीजों का निर्माण करना जो हमारे शरीर के अंदर जैविक गतिविधियों को पहचाने, और ये जैविक गतिविधियां क्यों हो रही हैं उसके बारे में हमको पर्याप्त सूचना दे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कभी ब्लड प्रेशर अपना नापवाइए, तो देखिए ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर क्या करता है, स्फिग्मोमैनोमीटर इस्तेमाल करता है। तो जब स्फिग्मोमैनोमीटर आपके लेफ्ट ब्रांचियल आर्टरी या लेफ्ट रेडियल आर्टरी में जब वो ब्लड प्रेशर डॉक्टर नापता है, तो वो जो स्फिग्मोमैनोमीटर है, हमारा इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या करता है, आपके शरीर में जैविक गतिविधि को ही तो बताता है कि ब्लड प्रेशर मेरा ज्यादा है कि ब्लड प्रेशर मेरा कम है। तो ब्लड प्रेशर घटना बढ़ना ये आपके बॉडी के अंदर होने वाली जैविक गतिविधि तो ही है। तो बड़ा आसान है, ठीक है, किताबों में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, एक बार समझ लोगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। जैव संवेदक और जैव हस्ताक्षर, ठीक है, और जैव सूचक। देखो, शरीर में जो भी जैविक गतिविधि होती है, तो शरीर की जैविक गतिविधियों का पता लगाने के लिए जिस भी प्रकार के हम उपकरण का प्रयोग करते हैं या उपकरण का निर्माण करते हैं जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से, वो कहलाता है हमारा जैव संवेदक। क्लियर? चाहे वो भौतिक गतिविधि हो, चाहे वो रासायनिक गतिविधि हो, कोई भी गतिविधि। तो शरीर में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार की जैविक गतिविधि का पता लगाने वाला जो जैविक उपकरण होता है, वही कहलाता है हमारा जैव संवेदक। तो अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें, तो वह जैविक उपकरण जो जैविक गतिविधियों को विद्युत संकेतों में बदलता है, सिंपल सी चीज, जो जैविक गतिविधियों को विद्युत संकेतों में बदलता है, यह उपकरण जो होता है वह जैव प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकी के सहयोग से बनी होती है, ठीक है। यानी ऐसे जैविक उपकरण जो हमारे शरीर की जैविक गतिविधियों को ट्रेस करते हैं, जैविक गतिविधियों को पकड़ते हैं, वे कहलाते हैं बायो सेंसर, जैव संवेदक, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये जैविक गतिविधि आपके शरीर में क्यों हो रही है, किस रीजन से हो रही है, उसका कारण क्या है, उसका पता लगाना किसका काम है, बायो सिग्नेचर।
जैसे मान लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर आपका घटा या बढ़ा ये तो स्फिग्मोमैनोमीटर से पता चल जाएगा, लेकिन ये ब्लड प्रेशर क्यों घट और बढ़ रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, तब आपका डॉक्टर क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग करवाएगा, डॉपलर टेस्टिंग करवाएगा, तमाम प्रकार की टेस्टिंग करवाएगा। तो अब वो सारे उपकरण किस कैटेगरी में आएंगे, बायोसिग्नेचर। तो बायोसिग्नेचर क्या करता है, ये एक तरीके से जैव नमूनों की जांच होती है और जैव नमूनों में होने वाले परिवर्तन को कौन बताता है, बायो सिग्नेचर, और इस परिवर्तन के कारण जो लक्षण होता है उसको पकड़ने का काम कौन करता है, बायो सेंसर। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। सिग्नेचर मतलब आइडेंटिफिकेशन मत समझ लेना, ठीक है ना, वो डिजिटल सिग्नेचर होता है, वो दूसरी चीज होती है, आपकी एक पहचान होती है, है ना। तो बायो सेंसर और बायो सिग्नेचर यही है और कुछ नहीं है। तो बायो सेंसर क्या होता है, वह जैविक उपकरण जो जैविक गतिविधियों को विद्युत संकेतों में बदलता है, यह प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकी के सहयोग से बनी होती है। अब बायो सिग्नेचर क्या होता है, यह जैव नमूनों की जांच प्रक्रिया है, सिंपल एक लाइन, यह जैव नमूनों की जांच प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जैव नमूनों की जांच की जाती है और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, सिंपल सी चीज। तो कोई चीज आपके शरीर में घट रही है, बढ़ रही है, जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को जांचने का जो यंत्र है वो बायोसेंसर, और वो परिवर्तन क्यों हो रहा है उसके बारे में बताने का जो उपकरण है वो है आपका कौन सा, बायो सिग्नेचर। क्लियर। अब जैसे हमारा डीएनए है ना, प्राचीन काल से लेकर अब तक हमारे डीएनए में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, कुछ ना कुछ बदलाव होते आ रहा है। तो ये जो चेंजिंग हो रही है हमारे अंदर, वो चेंजिंग किसके अंतर्गत आई, बायो सिग्नेचर के अंतर्गत। और इस चेंजिंग का जो इफेक्ट आया हमारे शरीर पे वो क्या होगा, बायोसेंसर। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। तो बायोसेंसर और बायोसिग्नेचर ये जैविक उपकरण है, जो बायोसेंसर बताता है कि ये हो गया और बायोसिग्नेचर ये बताता है कि कैसे हो गया। क्लियर। क्या क्वेश्चन है, हाँ, बायोसेंसर लिखेगा वह जैविक उपकरण जो जैविक गतिविधियों को विद्युत संकेतों में बदलता है, जैविक गतिविधियों को विद्युत संकेतों में बदलता है, यह जैव प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकी के सहयोग से बनी होती है। बिल्कुल 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 आकाश जी, सभी जो भी जैविक गतिविधियों को कैच करते हैं वो कहलाते हैं बायो सेंसर, जैव संवेदक, सूचना देते हैं ना आपको कि आपको ये हो गया, आपको ये है। अब क्यों है वो कौन बताएगा, बायो सिग्नेचर है। जैसे आपके शरीर में ऐसा उपकरण जो एंटीबॉडी को पकड़ता है ना, अब एंटीबॉडी को कैच करने वाला जो उपकरण होगा वो क्या होगा, बायो सेंसर, ठीक है। अब एंटीबॉडी ये बन कैसे रही है, किसके वजह से बन रही है, तब उसके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, फिर अब दैट इज कॉल्ड बायोसिग्नेचर, ठीक है। तो बायोसेंसर और बायोसिग्नेचर में यही डिफरेंस है कि बायोसेंसर क्या होता है, हाँ, तो बायोसेंसर क्या होता है कि ये जैविक गतिविधि को बताता है, कैच करता है, और बायोसिग्नेचर ये बताता है कि ये जैविक गतिविधियां हो क्यों रही हैं, ठीक है। अब तीसरे पे आते हैं, अच्छा हाँ, बायोसिग्नेचर लिखिएगा, बायोसिग्नेचर जैव नमूनों की जांच प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जैव नमूनों की जांच की जाती है, जैव नमूनों की जांच प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जैव नमूनों की जांच की जाती है एवं उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है।
तीसरा आते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कोई सूचना कोई इसका डिफिनेशन नहीं, ठीक है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? जैव सूचना, जैव सूचना कुछ नहीं है, ये एक आणविक विज्ञान की शाखा है, मॉलिक्यूलर साइंस की क्या है, एक शाखा है जो जैविक सूचनाओं का प्रबंधन करता है, बस और कुछ नहीं। यानी जैव सूचना क्या है? यह आणविक विज्ञान की एक शाखा है जो जैविक सूचनाओं का प्रबंधन करता है। अब इसकी देखो जरूरत क्यों पड़ गई, जरूरत यह पड़ गई कि आपको पता है 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया, लक्ष्य रखा गया कि मानव शरीर के अंदर कितने जीन हैं उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, रीड कर लिया जाए। अब पता चला कि मानव शरीर में लगभग 70,000 के आसपास जीन है, एक्टिव कितने हैं 20,000 जीन, क्लियर। बट जीन है तो कुछ ना कुछ तो कार्य तो करेंगे ही, और ऐसे जीन, ऐसे डीएनए जो बेवजह आपके शरीर में पड़े हुए हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे, उनको हम बोल रहे हैं जंक डीएनए। तो मान लो अगर हम जंक डीएनए को छोड़ दें तो फिर भी 20,000 जीन है, और हर जीन के दो लक्षण प्रभावी और अप्रभावी, तो इनको एक सीरीज क्रम में एक क्रमबद्ध अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है। तो उसमें किसका सहारा लिया गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी क्या आपका एक तरीके से कंप्यूटर, ठीक है ना। तो जब जैविक गतिविधियों के अध्ययन के लिए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, तब यही तकनीकी हमारी कहलाती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जैव सूचना प्रणाली। और इसी जैव सूचना प्रणाली से हमारा जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो डाटा था, इसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के डाटे को हम और अच्छी तरीके से रीड कर पाए, ठीक है। तो जैव सूचना प्रणाली कुछ नहीं है, जैव सूचना प्रणाली क्या है कि जैविक गतिविधियों, बायोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के साथ जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसमें इंक्लूड कर देते हैं, और जो भी हमको सूचना मिलती है उससे जो हमको डाटाबेस तैयार होता है, तो यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैव सूचना प्रणाली। तो इतनी चीजें हमारे किसमें थी? आपके बायो टेक्नोलॉजी में। और तो कुछ नहीं ना है, देख लो आप। हाँ, आप लिख लो जैविक गतिविधियों को पढ़ने के लिए या जैविक गतिविधियों का डाटाबेस तैयार करने के लिए जब हम जैव प्रौद्योगिकी के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, तो यह प्रक्रिया जैव सूचना प्रणाली कहलाती है। तो यह प्रक्रिया जैव सूचना प्रणाली कहलाती है। हेल्थ में है, ये हेल्थ में आएगा। इंद्रजीत जी, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, नौ तो आप लिख लीजिए कि
जो जैव प्रौद्योगिकी क्या है और जैव प्रौद्योगिकी भारत के खाद्यान्न क्षेत्र को स्वर्णिम युग में ले जा सकती है, कैसे चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन भी लिख सकते हो आप, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा भारत जैसे देशों में कुपोषण की समस्या से लड़ा जा सकता है कि नहीं, चर्चा करें। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तीसरा भी क्वेश्चन लिख सकते हो आप, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी क्या है, यह मानव जीवन को सफल कैसे बना सकती है। ठीक, और क्वेश्चन, स्तंभ कोशिकाएं क्या हैं, क्या भारत जैसे देश में स्तंभ कोशिका द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। ठीक, एक और लिख लो, जीएम सरसों क्या है, हाल ही में यह चर्चा का केंद्र क्यों बना, इससे होने वाले फायदे एवं नुकसान, इससे होने वाले फायदे एवं नुकसान को उदाहरण के साथ वर्णन करें। और लिख लो, जीन उपचार क्या है, क्वेश्चन बहुत बन जाएंगे, जीन उपचार क्या है, क्रिस्पर तकनीकी ने जीन उपचार के क्षेत्र में कैसे क्रांति लाई, चर्चा करें। हाँ नेहा जी, लिख लीजिएगा, यह आणविक विज्ञान की एक शाखा है जो जैविक गतिविधियों के अध्ययन के लिए, जो जैविक गतिविधियों के अध्ययन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से डाटाबेस को तैयार करती है। ठीक, अब जितनी बार पूछोगे देखो डिफिनेशन थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा, है ना, एग्जैक्ट डिफिनेशन रटा रटाया नहीं निकलेगा मुझसे। और एक क्वेश्चन, हाँ बोलो क्या है प्रतीश जी क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ में मिल जाएगा। हाँ सब मिलेगा। ठीक, कौन सा क्वेश्चन है, देखो रिपीट करने को बोलते हो तो मैं कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूं प्रतीश जी। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या बोला मुझे खुद ही याद नहीं है, नहीं याद है मुझे फर्स्ट क्वेश्चन।
आपने क्वेश्चन बोला, मैंने क्वेश्चन बना के लिख दिया, वीडियो देख लेना, मिल जाएगा क्वेश्चन आपको। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, याद आ गया, लिखो, जैव प्रौद्योगिकी क्या है। यह भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में स्वर्णिम युग में ले जा सकता है, कैसे, चर्चा करें। अब इसमें किसान आंदोलन मत लिख देना। ठीक है, इस बायोटेक में, बायोटेक आपका फिनिश हो गया है, थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे नोट में लिखना ये सब, बायोमेट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं जैव मापन, बायोमेट्रिक्स। अब वो विवाद का विषय है कि किसान आंदोलन में किसान है कि नहीं है। चलिए देखिए, बायो मापन क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति, है ना, यदि किसी व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों एवं व्यवहारिक लक्षणों के आधार पर अगर हम किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करते हैं तो वही प्रक्रिया कहलाती है बायो मैट्रिक्स। डिफिनेशन ही बस आपको देखना है, तो इसमें लिखना हो तो लिख लीजिए, किसी व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों एवं हां बायोटेक तो हो ही गया, और कितना पढ़ोगे भाई बायोटेक में, हमको मत बोलो, हम तो एक महीना बायोटेक पढ़ा सकते हैं फिर भी नहीं खत्म होगा। हम लोग अपने कॉलेज में 4 महीना बायोटेक पढ़े हैं, समझ लो, 6-6 घंटे की क्लास चलती थी एक दिन की, और 4 महीना खाली बायोटेक पढ़े हैं हम लोग, तो उसके वो मतलब आपको अपने एग्जाम के अनुसार पढ़ना है। बायोमेट्रिक्स में किसी व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों एवं व्यवहारिक लक्षणों के आधार पर पहचान स्थापित करना जैव मापन कहलाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों एवं व्यवहारिक लक्षणों के आधार पर पहचान स्थापित करना जैव मापन कहलाता है। ठीक है, क्लियर। तीसरा कभी कभी आता है एग्जाम में, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, तो देखो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होता है कि जो एंटीबॉडी तैयार करने वाली जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, समझ लो पहले, लिम्फोसाइट सेल, और दूसरा जो हमारे तेजी, हमारे शरीर में जो तेजी से सेल ग्रोथ करती हैं उसको हम बोलते हैं माइलोमा सेल। माइलोमा सेल, तो इनके संकरण से इन सेलों को फ्यूज कराया जाता है। किसको? एक तो लिम्फो, देखो मकसद क्या होता है पहले समझ लो, फिर अपने आप डेफिनेशन लिखो। लिम्फोसाइट्स क्या बनाता है? एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी। ठीक है, माइलोमा सेल्स क्या क्रिएट करती हैं? कैंसरस, कैंसर क्रिएट करती हैं। ठीक है, ये क्या क्रिएट करती हैं? कैंसर क्रिएट करती हैं। तो माइलोमा सेल की नेचर क्या होता है? तेजी से ग्रोथ करना, तेजी से वृद्धि करना।
तो जब इन दोनों सेल को हम फ्यूज करा देते हैं, तो दोनों सेल को जब फ्यूज करा देते हैं तो माइलोमा सेल लिम्फोसाइट के साथ मिल जाता है, तो नेचर क्या होता है, जितनी तेजी से ये बार बार ग्रोथ करेंगी उतनी ही तेजी से फिर एंटीबॉडी भी बनेगा, बनेगा कि नहीं? माइलोमा सेल का नेचर है ग्रोथ करना तेजी से, उतनी उतनी तेजी से बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बन पाती है। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो जाहिर सी बात है कि ये जो एंटीबॉडी बन रही है वो किसके खिलाफ बन रही है, कैंसर के खिलाफ बनेगी, ठीक है। और फिर इसी एंटीबॉडी को कैंसर पेशेंट के अंदर हम डाल देंगे तो उसके अंदर कैंसर होने की संभावना क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब किताब में पढ़ोगे तो दो पेज में हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी तुमको मिलेगा, है ना, लंबा लंबा स्पीच मिलेगा हाइब्रिडोमा का, है ना। सिंपल सी चीज है, माइलोमा कैंसर सेल उत्पन्न कैंसर उत्पन्न करता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर तेजी से वृद्धि होने की संभावनाएं होती हैं। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, इन दोनों कोशिकाओं को मिला दिया गया और इन्हीं का हाइब्रिड बना दिया गया, मिला दिया गया, हाइब्रिड बना दिया गया। अब ये क्या करेंगी, तेजी से ग्रोथ भी करेंगी और तेजी से एंटीबॉडी भी बनाएंगी, फिर इनको आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो कैंसर होने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। इसी तकनीकी को हम बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ठीक। हाँ, प्लाज्मा डिफरेंस है आकाश जी, वेद जी, कैंसर जो नॉर्मली लो लेवल का कैंसर होता है उसमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं, हमने बोला ना पढ़ने में आसान है, बट इनका हाइब्रिड बनाना भी डेंजरस है, ठीक है। आज जो कोरोना वायरस फैला है, जो तमाम प्रकार की भ्रांतियां हो रही हैं, वुहान में जो वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट था वहां से इस वायरस का क्रिस्टल बनाया गया, और ये वायरस जो क्रिस्टल बनाया गया तो लोग कहते हैं ना वहीं से लीक हो गया, वहीं से निकल गया, संभावनाएं बहुत है। अभी कल का मैं न्यूज पढ़ रहा था, कल या परसों में न्यूज पढ़ रहा था, हाँ अभी डिफिनेशन बताता हूं, तो कल परसों के न्यूज में हो रहा था कि कोरोना वायरस वुहान से तो निकला ही नहीं, ये भी न्यूज आ रही है। शुरू में आया था कि ये बिल्लियों से फैला, फिर पेंगोलिन से फैला, चमगादड़ से फैला, कई जगह से फैला, जूनोटिक डिजीज है, जंतुओं से मनुष्यों में पहुंचा। अभी तक हम इतना हाई प्रोफाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी होते हुए आज तक हम नहीं पता लगा पाए कि आखिर वायरस आया कहां से। अभी सिर्फ संभावनाएं हैं, रियलिटी अभी कुछ नहीं है, है ना। पूरी दुनिया एक इनविजिबल चीज जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उससे पूरी दुनिया आज ग्रसित हो गई है ना। तो ये कोरोना वायरस कुछ नहीं कर रहा है, नेचर अपने आप को बैलेंस कर रहा है, और ये नेचर के अंदर गुण होता है ना। बहुत उत्पात मचा लिए थे इंसानों ने, तो कुत्ते खा जा रहे हैं, बिल्ली खा जा रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, लोग खाओ कितना खाओगे, ठीक है। हाँ, तो डिफिनिशन अब इसका करते हैं, लिखो, एंटीबॉडी तैयार करने वाले लिम्फोसाइट्स, डिफिनेशन लिखना हो तो लिख लीजिए, अब एक ही बार लिख लो, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, दोबारा मत जाना नहीं फिर हमारा डिफिनेशन चेंज हो जाएगा, है ना। लिखो, एंटीबॉडी तैयार करने वाले लिम्फोसाइट्स तथा तेजी से वृद्धि करने वाली माइलोमा सेल, तेजी से वृद्धि करने वाली माइलोमा सेल के संकरण से, के संकरण से कैंसर के लिए, के संकरण से कैंसर के लिए विशिष्ट एंटीबॉडी, विशिष्ट एंटीबॉडी उत्पादित करने की तकनीकी, उत्पादित करने की तकनीकी को, उत्पादित करने की तकनीकी को हाइब्रिडोमा
टेक्नोलॉजी कहते हैं। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्लियर। बाकी देखो इसमें दो तीन चीजें और हैं, बायो पेटेंट, ठीक है ना, तो ये सब चीजें और भी हैं जिसको हम आईपीआर के साथ चर्चा करेंगे, या अगर आप लोगों का इकोनॉमिक्स चल रहा होगा तो उसमें जो पेटेंट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो सर से आप पेटेंट्स के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है ना, तो फिर मुझे पेटेंट्स नहीं पढ़ाना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है ना WTO, ट्रिप्स, ठीक है, इको खत्म हो गई है, तो इको खत्म हो गई है तो फिर जाहिर सी बात है पेटेंट्स वगैरह आप लोग पढ़े होंगे, है ना, उसमें बायो पेटेंट की चर्चा रही होगी, ट्रिप्स की चर्चा रही होगी, WTO बताया होंगे, है ना, ट्रिप्स के प्रावधान बताए होंगे, पेटेंट्स के रूल्स बताए होंगे, है ना, आईपीआर की बात नहीं कर रहे हैं, आईपीआर तो अलग चीज है, इकोनॉमिक्स में पेटेंट्स पढ़ाया जाता है और पेटेंट से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ाई जाती है, हाँ, WTO की ही संस्था है, ट्रिप्स वगैरह है, ट्रिप्स है, प्रिज्म है वगैरह, तो जब WTO सर ने पढ़ाया होगा तो पेटेंट्स वगैरह भी पढ़ाया होगा, ठीक है। अरे परेशान मत हो भाई, नहीं पढ़ाया तो आईपीआर में हम पेटेंट पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है, हाँ पेटेंट्स हम, चलिए हम आईपीआर में तो है ही है पेटेंट्स, हम आपको डिटेल में पेटेंट्स पढ़ा देंगे, बाकी इकोनॉमिक्स है क्या, चार चैप्टर का तो इकोनॉमिक्स है, उसी चार चैप्टर से पूरे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है, साल भर मार इकोनॉमिक्स से तुम लोग पढ़ते रहते हो, आता कितना है, चार चैप्टर से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, पहले मर्म समझो कि आईएएस पूछता क्या है, है ना, तब आईएएस में सेलेक्ट होगे, गधों की तरह खाली किताब पढ़ते जाओगे ना तो ये सब कुछ नहीं होगा, पीसीएस बन जाओगे उससे, आईएएस बनने के लिए पहले थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, है ना, अब इथिक्स वगैरह भी पढ़ते हो तो इथिक्स में क्या, इथिक्स में बस खाली तीन चीजों पे फोकस किया करो, केस स्टडी, उसका कुछ फिलॉसफी पोर्शन और कुछ उसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पोर्शन, बस पूरे इतिहास से लेकर अब तक देख लो पूरे इथिक्स में यही से क्वेश्चन है आया हुआ, इकोनॉमिक्स क्या है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, तीन चार चैप्टर है, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, बस काम खत्म, और कुछ ही नहीं है इसमें, है ना, साल भर लेके रमेश सिंह की पूरी किताब लेके गाथा पढ़ते रहते हो और पता चला कि रमेश सिंह से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, यही होता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हाँ मैं आईपीआर जब चलेगा तो आईपीआर में हम बताऊंगा, हाँ चलो नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं, शुरू करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पेस टेक्नोलॉजी। अब पहले इस स्पेस टेक्नोलॉजी में हमको पढ़ना क्या क्या है वो जान लो, है ना, ये नहीं कि जो चीज मिले बस हम उसको पढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपको पढ़ना क्या है, पहली चीज, पहला टॉपिक है कि स्पेस, व्हाट इज स्पेस, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, है, वास्तव में स्पेस होता क्या है, तो अब
बहुत सारे लोग बोल देंगे स्पेस का मतलब खाली स्थान, ठीक है, स्पेस का मतलब खाली स्थान, तो यहां वो खाली स्थान नहीं है। हाँ, हम कमरे में है, कमरे के ऊपर हमारा दीवार है और सर और दीवार के बीच में जो खाली स्थान है उसको भी हम स्पेस कह लेंगे, ठीक है। फिर अगर हम दूसरे तौर पे पूछें तो कहोगे कि ग्रह और उपग्रह के बीच में जो खाली स्थान है वो स्पेस आएगा, वो भी नहीं, ठीक है। अब आकाश जी हम इसका हिंदी थोड़ी पूछ रहे हैं अंतरिक्ष, है ना। तो सिंपल सा इसका मतलब जो स्पेस होता है हम कृत्रिम उपग्रहों के लिए यहां पर पढ़ेंगे, प्राकृतिक उपग्रहों के लिए नहीं। तो सामान्य तौर पे अगर हम स्पेस की डिफिनेशन देखें तो स्पेस क्या है कि हमारे वायुमंडल या हम ये कहें कि हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर का जो क्षेत्र है वो क्या है, स्पेस है। लेकिन वो भी किसके लिए, प्राकृतिक उपग्रह के लिए, कृत्रिम उपग्रह के लिए नहीं। और हमारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो टोटली किस पे बेस्ड है, कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह के लिए, नेचुरल सैटेलाइट्स के लिए, प्राकृतिक उपग्रह के लिए नहीं है। वो सब आप भूगोल में पढ़ते होंगे, भूगोल का कॉन्सेप्ट हमारा यहां काम नहीं करेगा, ठीक है, हमारा साइंस का कॉन्सेप्ट काम करेगा दूसरा। तो फर्स्ट हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज द स्पेस, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, या हम ये कहे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ऐसे बढ़िया, यानी इस स्पेस टेक्नोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा, संस्थाएं हम पढ़ेंगे, संस्थाएं में हम पढ़ेंगे इसको इसरो, ठीक। फिर तीसरा टॉपिक है आपका ऑर्बिट के बारे में अध्ययन करेंगे, और विशेष तौर से जो ऑर्बिट हैं वो चार ऑर्बिट हैं हमारे, जिनको हमको यहां पे थोड़ा बहुत स्टडी करना होगा। पहली है आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा, ठीक, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को हम इस हिंदी में बोलते हैं भू स्थैतिकी कक्षा, ठीक है। फिर दूसरा होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस को बोलते हैं भू समकालिक कक्षा, भू समकालिक। तीसरा होता है पोलर ऑर्बिट, और चौथी कक्षा होती है सन सिंक्रोनस। पोलर ऑर्बिट को हम बोलते हैं ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय कक्षा। अब इसको हम बोलते हैं सूर्य समकालिक, सूर्य समकालिक कक्षा। ठीक है, एक चीज और यहां पर लिख लेना, दूसरा तीसरा और चौथा भी इसी में जाएगा, कक्षा ऑर्बिट एंड इट्स सैटेलाइट, और ज्यादा अच्छा, यानी कक्षा एवं उनके उपग्रह, कक्षा एवं उनके उपग्रह, ठीक। तो ये आपका तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक है इसमें, चौथा टॉपिक को हम बोलते हैं लॉन्चिंग व्हीकल,
प्रक्षेपण यान, ठीक। अब इस प्रक्षेपण यान में सबसे पहला प्रक्षेपण यान है हमारा SLV, तीसरा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, चौथा है हमारा GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। व्हाट इज क्वेश्चन? जियो स्टेशनरी का भू स्थैतिकी कक्षा, दीपक जी, जियो स्टेशनरी को बोलते हैं भू स्थैतिकी या भू स्थैतिक। यूएलवी कहां मैं लिखा हूं? SLV है, यूएलवी नहीं, अभी यूएलवी भविष्य का ही नहीं, अभी उसको नहीं चर्चा करना है, पांची को देखना है। इंद्रजीत जी, जियो सिंक्रोनस भी इसको बोलते हैं, जियो स्टेशनरी भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। अब ये बात है कि जिस किताब में आप पढ़े होंगे उसमें जियो सिंक्रोनस लिखा हो, बट उसको जियो स्टेशनरी भी बोलते हैं, ठीक है। या जो आपको सर कभी पढ़ाए होंगे तो वो जियो सिंक्रोनस वो तो बता दिए होंगे, दोनों एक ही होता है। जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी दोनों की ऑर्बिट सेम हाइट की होती है, बस एंगल का फर्क होता है, ठीक। उसको हम जियो स्टेशनरी भी बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस भी बोलते हैं। हो गया। अब इसके बाद कितने टॉपिक हैं? चार। पांचवा टॉपिक मैं मिटाने जा रहा हूं। फिफ्थ टॉपिक है इसमें, सैटेलाइट इंजन। और इस सैटेलाइट इंजन में पहला हम पढ़ेंगे क्रायोजेनिक इंजन, दूसरा स्क्रैमजेट इंजन, दो पढ़ना है। एक और होता है रैमजेट इंजन, उसका इस्तेमाल मिसाइल में किया जाता है, तो
उसको हम लोग डिफेंस में देखेंगे। ठीक, छठा टॉपिक स्पेस मिशन। स्पेस मिशन में देखेंगे पहला मिशन चंद्रयान। दूसरा मिशन मंगलयान, मिशन गगनयान, मिशन शक्ति और मिशन आदित्य, L1 आदित्य लिखो। मार्कर लाता हूं। हो गया। अब मिशन चंद्रयान, चंद्रयान के तहत चंद्रयान फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ और थर्ड हुआ। फर्स्ट और सेकंड हो चुका है, थर्ड अभी बाकी है। ठीक है, मिशन मंगलयान हो चुका है, गगनयान अभी नहीं हुआ है, मिशन शक्ति हो चुका है, मिशन आदित्य अभी नहीं। पूरे साइंस टेक में शक्ति नाम की दो चीजें हैं। ठीक है, एक है मिशन शक्ति और एक है ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, पूरे साइंस टेक में तो मिशन शक्ति का संबंध आपके स्पेस टेक्नोलॉजी से है और ऑपरेशन शक्ति का संबंध आपके न्यूक्लियर एनर्जी से है ना। जो हम लोगों ने परमाणु विस्फोट किया था, एक तो 1974 में और दूसरा 1998 में, तो 1998 में हम लोगों ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। ठीक है, तो वो जो 5 परमाणु परीक्षण थे उसको नाम दे दिया गया था मिशन, सॉरी ऑपरेशन शक्ति, शक्ति फर्स्ट और शक्ति सेकंड। ठीक है, अब उसमें भी बहुत सारे आपको टीचर्स आपके पढ़ाएंगे या कुछ हो सकता है पढ़ाए भी होंगे आपको उसमें इंटरनल सिक्योरिटी में, सॉरी हाँ इंटरनल सिक्योरिटी में कई टीचर आते हैं पढ़ाने। तो होता क्या है ना कि टीचर भी कुछ न कुछ विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं। इंद्रजीत जी वो सब एडिशनल में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पेस मिशन के अंतर्गत ना कुछ हम एडिशनल चीजें भी पढ़ते हैं, तो उस एडिशनल चीजों में हम नासा को पढ़ते हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पढ़ते हैं, दो को। तो नासा के प्रमुख अभियान को भी हम पढ़ेंगे। ठीक, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, मेन हमारा फोकस होगा किस पे, इसरो पे। ठीक, तो अब कुछ आ जाते हैं लोग इंटरनल सिक्योरिटी के, कुछ टीचर होते हैं बताते हैं, वो लोग कुछ विशेष विचारधारा से वो लोग प्रभावित होते हैं, है ना। और वो बताते हैं कि भारत जो है अभी भी हाइड्रोजन बम का परीक्षण नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है, जो भारत के पास परमाणु बम है उनकी क्षमता को बढ़ाया है। अब कैसे बताएं लोगों को कि भारत जो है अपनी परमाणु बम की क्षमता को बढ़ाएगा, तो हाइड्रोजन ही बम न बनाएगा है? और क्या बनाएगा। ठीक, और मैं नाम नहीं लूंगा,
जी न्यूज पे एक चोपड़ा जी आते हैं, है ना? वो किसी विशेष धारा से, विचारधारा से प्रभावित हैं, अक्सर आपको मिल जाएंगे न्यूज चैनल में। तो सच्ची घटना है ये। उस समय डोलकाम विवाद चल रहा था चाइना के साथ, और मैं भी वाराणसी से आ रहा था दिल्ली, दोनों लोग का टिकट था। हाँ, नासा के प्रमुख मिशन के क्वेश्चन आते हैं सनी जी, ठीक है? अब क्यों नासा के क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं आपको आउटर स्पेस ट्रीटी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब वो ट्रेन में बैठ के डोलकाम विवाद में उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोला था कि आप लोगों ने देखा कि चाइना ने भारतीय सैनिकों को मार के भगा दिया, उनका यही शब्द था। बोगी में बैठे थे, फर्स्ट एसी में थे हम लोग, चार लोग थे, और उनके खिलाफ मेरे मुंह से गाली निकल गई, है ना? इंडिया के खिलाफ बोले, किसी पार्टी किसी धर्म से नहीं है। हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना। अब चाहे कुछ भी हो, आपकी मेथोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन इंडिया के खिलाफ आप बोलोगे, भारत के खिलाफ बोलोगे, तो जाहिर सी बात है गाली ही निकली, चप्पल नहीं निकला, ये तो शुक्र है। फिर उसके बाद काफी बात विवाद हुआ, तो उनका एक शब्द था कि भारत के पास तो परमाणु बम है लेकिन हाइड्रोजन बम नहीं है। उन्होंने कहा जाके अपना पहले ज्ञान दुरुस्त कर लीजिएगा, फिर दूसरों को ज्ञान दीजिएगा। अधजल गगरी छलकत जाए, जिसके बारे में जानकारी नहीं है उसके बारे में ज्ञान नहीं उड़ेलना चाहिए। मार्क्सवाद लेनिनवाद पढ़िए, साइंस रहने दीजिए। काफी बहस हुई। अच्छा, मैं उनको जानता भी नहीं था कि कौन है। बाद में मैं जी न्यूज देखा, तुमने कहा रे ये तो वही बंदा है, बाद में पता चला। तो ऐसा लोग मानते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी आपको बोल देते हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन मत करिएगा, हाइड्रोजन बम है हमारे पास। क्योंकि भारत की जो सुरक्षा नीति है ना, बड़ी गोपनीय नीति होती है, ये दुनिया को नहीं पता चलती, ठीक है? जैसे मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल बता रहा हूं, सागरिका मिसाइल हमारे पास है, डीआरडीओ एक ब्लैक प्रोजेक्ट चलाता है, ब्लैक प्रोजेक्ट के तहत डीआरडीओ घातक हथियार बनाता है। तो जब हम लोगों ने K-4 K-15 मिसाइल्स जब हम बना रहे थे, तो उसी समय चाइना ने पूरी दुनिया को बताया था कि भारत ब्लैक प्रोजेक्ट के तहत कुछ खतरनाक मिसाइलों को बना रहा है, चाइना का ये शब्द था। लेकिन हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, नकार दिया। और अभी आपने देखा साल भर पहले K-15 मिसाइल का हमने परीक्षण किया फिर से, ठीक है? काली तो ब्लैक प्रोजेक्ट में भी चल रही है विवेक जी, और चाइना ने अभी साल भर पहले फिर आरोप लगाया है कि भारत अपने सैटेलाइट्स में माइक्रो मिसाइल सेट किया हुआ है। तो हो सकता है कि यह बात सही हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने इसका सफलतम परीक्षण किया है मिशन शक्ति में। माइक्रोसेट आर सैटेलाइट को अपने ही मिसाइल ए सैट से नष्ट किया है अंतरिक्ष में, है ना? तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम भारतवासी हैं, एंड टाइम पे क्या कर जाएंगे ये दुनिया को नहीं पता चलता है ना? ठीक। तो अब आपका ये स्पेस मिशन, स्पेस मिशन के बाद सातवें पॉइंट पे सातवां चैप्टर है आपका नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम को हम बोलते हैं नौवहन प्रणाली, और इस नौवहन प्रणाली में जो हमको अध्ययन करना है, पहला है हमारा जीपीएस। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है? दूसरा है आपका IRNSS, तीसरा है आपका गगन। तीन नेविगेशन सिस्टम को उनको पढ़ना है, ही दो ही है, IRNSS और जीपीएस। जीपीएस क्या है, ये ग्लोबल लेवल पे है, वैश्विक लेवल पे है, और IRNSS क्या होता है, ये क्षेत्रीय लेवल पे होता है, ये भारत का है, अपना खुद का, ठीक है?
और जैसे भारत है, हम नाम भी छोटे मोटे नहीं रखते हैं। देखो क्या है, आई आर एन एस एस, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और इनका क्या है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जीपीएस। ठीक है ना, भारत महान है काम में भी और नाम रखने भी। गगन कोई विशेष नेविगेशन सिस्टम नहीं है, बट गगन प्रणाली में क्या होता है, जीपीएस और आईएनएस प्रणाली का यूज करके सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी को हम मैसेज देते हैं, तो उसको हम नाम दे दिए हैं आपका गगन। गगन का मतलब होता है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, देखो इसका भी नाम कितना खतरनाक है, क्योंकि भारत का है? एक बार नामे पढ़ने में आपको हालत खराब हो जाएगी। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड या ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन। ठीक, इतने नेविगेशन सिस्टम को हमको पढ़ना। अब आठवां चैप्टर अदर, अदर्स में हमको क्या पढ़ना है, पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी। सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन स्पेस। सामाजिक महत्व क्या है भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का। दूसरा, हाँ, गगन एयरपोर्ट अथॉरिटी को देता है सनी जी। ठीक, तीसरा है आपका इसी में टॉपिक स्पेस पॉल्यूशन। चौथा है नासा एवं उसके प्रमुख मिशन, और पांचवा है आपका आईएसएस। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इतना पूरा सिलेबस है आपका। हो गया, अब देख लिया ना कितना लंबा टॉपिक है, छोटा है नहीं। चलिए तो इसके हम शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। लिख लिया है ना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी है। और पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो हमारी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी नहीं, 2 वीक कहां लगेगा, 5 दिन में स्पेस टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी कि 2 वीक कहां लगेगा, 2 वीक नहीं लगेगा, 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा आपका स्पेस। स्पेस के बाद सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। डिफेंस भी आपका है, मिसाइल्स बस है, नैनो रोबोटिक्स में
यूज है इसका, न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ा सा बड़ा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी थोड़ी सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो अथाह है, जितना पढ़ोगे उतना कम है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई सिलेबस भी नहीं है, अभी मैं बता दे रहा हूं। वो नालायक आईटी का कहां से क्वेश्चन पूछ देते हैं पता ही नहीं चलता है ना। वही नए 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 इनोवेशन सब होते रहते हैं, उसी से क्वेश्चन उठा के पूछ देते हैं। विवेक जी आपको क्या लगता है चाइना क्यों चिल्लाता रहता है? हमारे पास निर्भया और ब्रह्मोस, किसी भी मिसाइल्स को, निर्भया और ब्रह्मोस को डेंजरस मिसाइल्स की कैटेगरी में डाला जाता है। बस फर्क इतना है कि हमारे पास जो इनकी रेंज कम है, ज्यादा दूर तक ये नहीं मार करती है, ठीक। बाकी हमारे पास दुनिया की उच्च कोटि की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स है, और उस सभी क्रूज मिसाइल्स में निर्भया तो सबसे डेंजरस मिसाइल है। निर्भया मिसाइल्स को लॉन्च किया है रॉकेट के तर्ज पे, और आसमान में जाके ये अपना शेप चेंज कर लेती है पक्षी की तरह, और अपने टारगेट पॉइंट पे मंडराती रहती है, और सही टाइम और सही एंगल देखकर हमला करती है, और रडार के पकड़ में भी जल्दी नहीं होती है। जी हाँ, सब इंडिया में बनी हुई है, बहुत सारे भी मिसाइल चलेगा तो मैं बताऊंगा, न्यूक्लियर चलेगा तो फिर मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे हमारी सरकारों ने क्या क्या किया, कैसे हमारे डिफेंस सिस्टम को वीक किया, कैसे कमजोर किया है ना, सब मैं पोल खोलूंगा। थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ने दीजिए। तो बायोटेक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये चार ऐसी संस्थाएं हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, नाभिकीय हथियार। ये चार ऐसी संस्थाएं हैं जिनका अध्यक्ष जो होता है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इन संस्थाओं में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की संभावनाएं नहीं होती, क्योंकि इन सब संस्थाओं में नौकरशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप होता ही नहीं। दूसरा क्या होता है कि इन सभी संस्थाओं के जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वही नीतियां बनाते हैं और वही नीतियों को लागू करते हैं। भाई उन्होंने ही डिसाइड किया कि हमको ये बनाया है, बनाना है, और वे उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको बनाते हैं, है ना। ऐसा थोड़ा है कि आपके कृषि मंत्री ने कृषि नीति बनाई और लागू करवा रहे हैं आईएएस ऑफिसरों से। ठीक, हाँ आकाश जी, ये क्यों पढ़ाया जाता है आईएएस ऑफिसर को? सपोज दैट आप आईएफएस बन गए, किसी देश के राजदूत बन गए, उसकी पॉलिटिकल वेव क्या है, उसकी साइंस टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब आपको जानना चाहिए। अब आपको क्यों बायोटेक पढ़ाया जाता है? आप एक जिले के डीएम बन गए, मान लीजिए अभी तत्काल में डीएम है, और आप गए हॉस्पिटल का दौरा करने, तो बताया कि सर देखिए ये कोरोना वैक्सीन है, और आप अपने जीएस में पढ़ा है कि कोरोना वैक्सीन है तो इसको -2 डिग्री टेम्परेचर पर रखना चाहिए, बाहर क्यों निकाल के हमको दिखा रहा है? आप क्वेश्चन पूछ सकते हो उससे। मेडिसिन के बारे में बताएगा, डिजीज के बारे में बताएगा, आपको पहले से जानकारी है, ठीक है, डिजीज ये क्या है, बोलेगा कि बायोटेक द्वारा इसको बनाया गया है और आपने बायोटेक की A to Z इंफॉर्मेशन ली हुई है। उसी तरीके से मिसाइल्स का भी है, न्यूक्लियर एनर्जी का भी है, कौन सी मिसाइल्स कैसे बन रही है, इस तकनीकी को अगर आपको पता है तो दूसरे देशों के साथ हमारा बिहेव भी क्या हो सकता है, राजनीतिक संबंध भी अच्छे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान में जिस समय तनातनी चल रही थी, तो पाकिस्तान कौन, कुरैशी था या क्या था नाम नहीं पता हमको, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पढ़े लिखे हैं वो, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत को बोला था कि भारत संभल जाए, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है,
पाकिस्तान के पास टैक्टिकल मिसाइल है, उनका शब्द था, पाकिस्तान के पास टैक्टिकल मिसाइल्स है ना। अब आप सुनो, मिसाइल्स को दो प्रकार के यूज के लिए बनाई जाती है, एक टैक्टिकल मिसाइल्स और दूसरा स्ट्रेटेजिकल मिसाइल्स। तो जो टैक्टिकल मिसाइल्स होती है वो आमने सामने लड़ने के लिए होती है, जंग के मैदान में लड़ने के लिए होती है, उनकी रेंज ही मैक्सिमम 100 किलोमीटर होती है। और जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स होती हैं वो लंबी दूरी तक मार करने वाली होती हैं। स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स को जल्दी हम यूज नहीं करते हैं, वो सिर्फ डराने के लिए हम बनाते हैं कि कुछ करना मत, हमारे पास ये है। जैसे आपका एटॉमिक वेपन स्ट्रेटेजिकल वेपन्स में आता है ना, तो उसी तरीके से जो लंबी दूरी की जैसे अग्नि सीरीज की जो मिसाइलें हैं, है ना, ये सब मिसाइलें क्या है, ये डराने के लिए हैं कि अगर हम उनके ऊपर कुछ करते हैं तो हमारे ऊपर दाग देंगे, ठीक है ना। जैसे एक व्यक्ति रिवॉल्वर कमर में खोस के चलता है तो लोग डरते हैं, यार इससे झगड़ा मत करो, ये रिवॉल्वर लिया हुआ है, जबकि 90% सब दिखाने के लिए लगाते हैं, निकाल के मार नहीं सकते हैं, इतना उनमें दम नहीं होता है, 90% तो केवल दिखाने के लिए लगाते हैं, है ना। अरे साल भर से पड़ी हुई है, कभी फायर ही नहीं हुई, अचानक फायर होगी तो मिस हो जाएगी, उससे अच्छा तो बिहार का कट्टा काम करता है, सॉलिड मारता है, एक बार लग गया तो आपकी जान जानी ही तय है, ठीक है। नाग एंटी टैंक मिसाइल्स है, ठीक है। तो अब जो उनके बोलते हैं कि हमारे पास टैक्टिकल मिसाइल्स है, अब उनके नॉलेज को आप क्या कहोगे, टैक्टिकल मिसाइल से हमको डरने की क्या जरूरत है, उनका बेस कैंप है कराची, दाग दे टैक्टिकल मिसाइल्स, कहां गिरेगा, पाकिस्तान में ही तो गिरेगा ना। तो इसीलिए कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, जब नॉलेज आपको न हो तो मीडिया के सामने आके नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। यही काम करते हैं नालायक सब, भारत कभी नहीं बोलता है, बार बार देखिए पाकिस्तान बोलता है कि हमारे पास इतने परमाणु बम हैं, इतने हाइड्रोजन बम हैं, सिर्फ एक ही मिसाइल का हमने दिया था, क्या बोलते हैं उसको जो दूसरों को धमकाने के लिए बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है। अरे जब अभियों को उन्होंने वो कैद किया था, धमकाया था कि संभल जाओ, नई मिसाइलें तैनात, वार्निंग, है ना, अगले दिन बैकफुट पे आ गए, हमला हो भी जाता, नो डाउट, क्योंकि विज्ञान प्रौद्योगिकी, देखो जितनी भी विज्ञान प्रौद्योगिकी है, भारत की जो ग्रोथ है ना, पूरे डिफेंस सेक्टर में मिसाइल्स तकनीकी को छोड़कर बाकी में संतोषजनक वृद्धि है, केवल मिसाइल्स तकनीकी ऐसी है जिसमें हमारी ग्रोथ अच्छी है, और मिसाइल्स तकनीकी ग्रोथ का भी जनक हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी है। वो इसलिए 1983 में हम लोगों ने SLV का परीक्षण किया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, ठीक है, और इसी SLV के परीक्षण के साथ हम लोग आत्मनिर्भर हो गए, किसमें, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए, स्वदेशी उपग्रह को स्वदेशी रॉकेट से भेजने में सक्षम हो गए। और इसके पहले 1983 के पहले ऑपरेशन वैलियंट और दो तीन ऑपरेशन चलाया गया था मिसाइल्स के निर्माण के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और जैसे ही हम लोगों ने SLV का परीक्षण कर लिया, SLV में सफलता हासिल कर ली, तो 1983 से ही हम लोग प्रोग्राम शुरू कर दिए IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत संवर्धित मिसाइल विकास कार्यक्रम शुरू कर दिया SLV के सफलता के साथ। और इसके तहत हम लोगों ने पटना का निर्माण किया, लक्ष्य रखा शॉर्ट फॉर्म में पटना, पटना का मतलब पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग एवं आकाश, 5 मिसाइल्स का नाम हम लोगों ने लक्ष्य रखा कि इसको हमको बनाना है, कब, SLV के सक्सेस होने के साथ ही। तो कहीं ना कहीं से हमारा डिफेंस किससे जुड़ा हुआ है, स्पेस, ठीक है। चलिए हम अपने मूल पॉइंट पे आते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं आपके स्पेस की, ठीक है।
या दीपक जी, हमारा पाकिस्तान से कोई मतलब ही नहीं है। हमारी जितनी भी डिफेंस पॉलिसी होती है ना, वो चाइना को लेकर बनती है। वो सिर्फ हम दिखाते हैं कि पाकिस्तान को लेकर, ठीक, जितनी भी डिफेंस पॉलिसी बनती है वो सिर्फ और सिर्फ किसको लेकर बनती है? चाइना को लेकर बनती है। और ये बहुत सारे लोग देखिए आपको मीडिया में बोलते हैं कि आपके कथा कथित भविष्य के होने वाले प्रधानमंत्री, जो इस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, है ना, 57 साल 54 साल के हैं लेकिन अभी वो युवा है ना, तो बोलते हैं कि भारत चाइना से डर गया है, चाइना से पीछे हो गया है। हाँ सनी जी, पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग एवं आकाश, ये भी आएगा डिफेंस में, फिर हम बताएंगे। तो अक्सर चाइना की धौंस दी जाती है हमको, ठीक है, लेकिन एक चीज जान जाइए, जो विल पावर है ना, लड़ने की जो क्षमता है, ये विल पावर ये सिर्फ इंडियंस में ही है और किसी देश में नहीं है ना। और मैं अभी लिख के दे दे रहा हूं, चाइना हमसे कभी लड़ नहीं सकता है, कभी नहीं लड़ सकता है। सिर्फ वो धमकी दे सकता है, लड़ नहीं सकता है। हुआ ना बवाल, 40 हमारे मारे गए, उसके कितने मारे गए? 200। बताया कितना? 100, है ना। आमने सामने लड़ाई में भारत कभी कमजोर हो जाए, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ना। वो क्या सोचते हैं? आप अपने गांव को देखिए ना, गांव में खेत की रोपाई हुई, मेड़ पे मिट्टी डाली जाती है, मेड़ काट जाते हैं, 1 इंच खेत इधर से उधर नहीं हुआ कि गोली चल जाती है, मर्डर हो जाता है। और वो सोचते हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे, चाइना सोचता है कि हम ये ले लेंगे। इम्पॉसिबल है भाई, असंभव है ये नहीं हो सकता। ठीक, मैं पहले इंटरनल सिक्योरिटी भी पढ़ाता था, ठीक है ना, तो एक बार इसी तरह, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी कोचिंग में विवाद हो गया। भारत के जो राजनीतिक संबंध होते हैं, विशेष तौर से गल्फ कंट्री के साथ और क्या बोलता है आपके इसराइल के साथ, तो नई टीचर लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वास्तविकता इसमें धार्मिक उन्माद जुड़ता है, धर्म इसमें जुड़ता है, 100% जुड़ता है। तो उसी में थोड़ा सा वाद विवाद होने लगा, क्वेश्चन तो बातचीत बढ़ गई आगे, फिर मैंने पढ़ाना ही बंद कर दिया। हमने कहा छोड़ो, विवाद का विषय है सबका वो, चलिए नहीं तो ये छोड़ जाएगा। अपना आइए स्पेस में हम चलते हैं। व्हाट इज स्पेस? तो स्पेस का सिंपल सा मतलब होता है पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर स्थित एक अनंत क्षेत्र, सिंपल सा मतलब, ठीक है। यानी कि अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर स्थित एक अनंत क्षेत्र, पृथ्वी के ऊपर, या सब सही ढंग से लिखो, पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर, पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर स्थित एक अनंत क्षेत्र। और हमारा, जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, तो हमारा ऊंचाई के साथ वायुमंडल कितने सेक्टर में बांटा गया है? 4 सेक्टर में, ठीक है, तेरे, सात, मेरी, टाई। भूगोल में पढ़ा होगा आपने, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर, पढ़ा है ना। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर, ठीक। तो ये हमारी पृथ्वी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर, वायुमंडल। ये सब भूगोल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर स्थित एक अनंत क्षेत्र क्या कहलाता है? हमारा स्पेस,
ठीक है। अब इस स्पेस, ये कई प्रकार के स्पेस होते हैं, जैसे एक होता है हमारा जियो स्पेस, डिफिनेशन तो हो ही गया। कई प्रकार के स्पेस होते हैं, पहले स्पेस को हम बोलते हैं जियो स्पेस, जियो स्पेस। अब जियो स्पेस क्या होता है, पृथ्वी सतह के बाद, जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह के बाद जहां तक पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, वह डिस्टेंस जियो स्पेस कहलाती है। यानी कि पृथ्वी के सतह से वह दूरी जहां तक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है, ठीक है। देखो एक चीज और समझ लेना आप, ये आपके सिलेबस में नहीं है, है ना, इनसे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन स्पेस टेक में हम बार बार शब्द इस्तेमाल करेंगे, जियो स्पेस, है ना, बार बार इस्तेमाल हम करेंगे, इंटरप्लेनेटरी स्पेस, ठीक है, तो उसको पहले से आप जान लो, इसीलिए हमने अपने से इस टॉपिक में एक टॉपिक जोड़ दिया है, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेस, ताकि जो बाद में टर्मोलॉजी आएगी उसमें आपको कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। दूसरा स्पेस का टाइप है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्लेनेटरी स्पेस, इंटरप्लेनेटरी स्पेस। तो इंटरप्लेनेटरी स्पेस का मतलब होता है दो ग्रहों के बीच का स्थान, जैसे पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी से फिर इधर कौन सा है आपके, एक साइड तो पृथ्वी है, दूसरे साइड कौन सा है, कौन से ग्रह हैं पृथ्वी के दाएं और बाएं, कौन से ग्रह हैं, सोलर सिस्टम पढ़ा होगा ना जियोग्राफी में, ठीक है। तो इंटरप्लेनेटरी स्पेस का मतलब होता है दो ग्रहों के बीच का स्थान, ठीक है, दो ग्रहों के बीच का स्थान, कोई भी ग्रह। तीसरा होता है इंटर सोलर स्पेस। इंटर सोलर स्पेस का मतलब होता है दो सोलर सिस्टम के बीच का स्थान, ठीक है, दो सोलर सिस्टम के बीच का स्थान। चौथा इंटर गैलेक्टिक स्पेस, एग्जोस्फीयर, हर्ष जी ये सब आप उसमें पढ़ चुके होंगे भाई जियोग्राफी में, अब एटमॉस्फियर आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, एटमॉस्फियर हम थोड़ी पढ़ाएंगे यहां पे, ट्रोपोस्फियर, स्टेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर सब पढ़ा है ना। थर्मोस्फियर के दो भाग होते हैं, एग्जोस्फियर और एनोस्फियर, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि थर्मोस्फियर की जगह एक थर्मोस्फियर टर्म नहीं देते हैं, एग्जोस्फियर बोल देते हैं, एनोस्फियर बोल देते हैं, बट एक्चुअली थर्मोस्फियर के दो भाग होते हैं, एग्जोस्फियर और एनोस्फियर, ठीक है। आइनो नीचे होता है, लास्ट में होता है आपका एग्जोस्फियर, ठीक है, सेम होता है, हाँ हाँ बिल्कुल। अब इंटर गैलेक्टिक स्पेस का मतलब होता है दो गैलेक्सी के बीच का स्थान, दो गैलेक्सी के बीच का स्थान। फिर पांचवा आता है आपका आउटर स्पेस, आउटर स्पेस। तो आउटर स्पेस का मतलब होता है वह क्षेत्र जहां अंतरिक्ष का निरंतर विकास होता रहा, ठीक है, जहां
अंतरिक्ष का निरंतर विस्तार लिखो, विकास की जगह विस्तार, विस्तार होता है क्योंकि अंतरिक्ष क्या हो रहा है, फैल रहा है। क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने देखा कि स्पेस, उसके बाद टाइप्स ऑफ, है ना, हमको मतलब किससे है, केवल और केवल जियो स्पेस से मतलब है और किसी से मतलब नहीं। ठीक है, अब इसके बाद इसी बेसिक कॉन्सेप्ट में दूसरा आता है कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं। ये तो स्पेस का हो गया, है ना, अब उपग्रह क्या होते हैं। सेकेंड जो होता है, पहला जियो स्पेस होता है, दूसरा होता है इंटर प्लेनेटरी स्पेस, दो प्लेट के बीच की, सॉरी दो ग्रहों के बीच की दूरी। ठीक है, फिर होता है इंटर प्लेनेट, इंटर सोलर स्पेस, दो सोलर सिस्टम के बीच की दूरी, इंटर गैलेक्टिक स्पेस, दो गैलेक्सी के बीच की दूरी। ठीक है, अब देखिए चलते हैं, व्हाट इज सैटेलाइट। उपग्रह क्या होते हैं, भूगोल में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, तो उपग्रह क्या होते हैं कोई हमको बता सकता है लिखकर। कोई भी बता दे, उपग्रह क्या होते हैं। जो लोग लिख के ये भेज रहे हैं कि जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं वो न लिखी, ये कॉन्सेप्ट गलत है। गुड प्रीति जी, अरे वाह अरविंद जी, उपग्रह ग्रह से बनते हैं। देखिए हाँ, बस बस ये मत लिखिए। अब प्रियंका जी, जो मैंने तो ये नहीं कहा ना कि कृत्रिम उपग्रह क्या है और प्राकृतिक उपग्रह क्या है, मैंने सिर्फ कहा उपग्रह है। तो उपग्रह क्या है, अब मत कीजिए मैसेज, सुनिएगा। उपग्रह ऐसे खगोली पिंड होते हैं, यानी ऐसे पिंड होते हैं जो किसी दूसरे खगोली पिंड, मतलब ग्रह, जो किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, उपग्रह। अब देखिएगा ध्यान से, कैसे, ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला हमारा मामा है, है ना, चंदा मामा। ये क्या है, चंद्रमा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने चंद्रयान 2 को भेजा, चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग बेचारा नहीं कर पाया, है ना, तब बड़े बड़े आरोप लगे और हमारा ये मिशन असफल हुआ। ठीक है, तो और चंद्रयान 2 ने एक देश को एक धागे में तो पिरो ही दिया था उस समय, जिस हिसाब से मीडिया में इसके न्यूज की कवरेज हुई थी, पूरे देश को एक तरीके से यूनाइट कर दिया। और मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, मैं उसमें बीएचयू में था और मैं रिक्शे पे बैठने जा रहा था, तो जैसे ही रिक्शे पे बैठने जा रिक्शा वाला पेपर पढ़ रहा था,
हमने कहा क्या हुआ भाई, सुबह सुबह कौन सी नीच पढ़ रहा है? तो कहा कि सर जी थोड़ी सी बस चूक हो गई। रिक्शे वाले का यह शब्द था कि थोड़ी सी चूक हो गई। अब देखिए, और वैसे भी कुछ देखो होने वाला था नहीं, विदेशी लोग वहां पे चले जाएं, वहां से कुछ इकट्ठा करके ले आएं या कुछ भी करें, उनका चलता है, हमारा तो ननिहाल है ना, मामा भी शब्द देते हैं ना, और हमारा ये ननिहाल है, और ननिहाल में बच्चा जाएगा तो इतनी जल्दी चला आएगा, उसके नाना नानी और मामा आने ही नहीं देंगे, इसलिए हमारा जो लैंडर गया बेचारा वहीं पर टिक गया, कहा भी नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, वो हमेशा के लिए ननिहाल में रुक गया। डेफिनेशन पे आओ, चंद्रमा अर्थ, ये क्या है हमारा चंद्रमा का, चंद्रमा क्या है पृथ्वी का उपग्रह सैटेलाइट। अब ये चंद्रमा क्या कर रहा है, इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये पृथ्वी तो भी तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, पृथ्वी भी तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो अब ये उपग्रह क्या है, ये अपने ग्रह के चारों तरफ तो चक्कर लगा ही रहा है, इसके साथ साथ सूर्य के भी चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है कि नहीं। तो उपग्रह क्या होते हैं, ऐसे खगोली पिंड होते हैं जो अपने जो किसी भी खगोली पिंड के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाते रहते हैं, यानी सूर्य के चारों तरफ भी परिक्रमा करते रहते हैं, तो ऐसे खगोली पिंड को हम क्या बोलते हैं, उपग्रह। ठीक है, अब ये जो उपग्रह होते हैं, तो डिफिनेशन बड़ी आसान हुई इसकी, उपग्रह वह खगोली पिंड जो किसी दूसरे जो जो किसी ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, आपके उपग्रह। केवल ग्रह की परिक्रमा करना उपग्रह नहीं कहलाता, ठीक है, वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ भी परिक्रमा करते रहते हैं। अब ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं उपग्रह। पहले तो हम बोलते हैं नेचुरल प्राकृतिक उपग्रह, दूसरे को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, और यहां पर मैं आपको बता दूं, इसकी मुझे चर्चा ही नहीं करनी नेचुरल सैटेलाइट्स की। ठीक है, क्योंकि नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, और जो कृत्रिम सैटेलाइट होते हैं ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं। अब ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, इनकी तीन कैटेगरी बांटी गई है। पहला फर्स्ट है आपका वजन के आधार पर, यानी कि वेट के आधार पर ये सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और तीसरा घूमने के, कक्षा में घूमने के आधार पर, यानी कि कक्षा के आधार पर। तीन कैटेगरी बांटी गई है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, हो गई, चलिए। वजन के आधार पर जो सैटेलाइट्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। पहला है आपका जिप्टो सैटेलाइट, जिप्टो सैटेलाइट्स, ठीक है। तो जो जिप्टो सैटेलाइट्स होते हैं, इनका वजन जो होता है 0.1 ग्राम से 1 ग्राम के बीच होता है, 0.1 से 1 ग्राम के बीच में होता है। ठीक, दूसरा ऑटो सैटेलाइट, AWTO ऑटो सैटेलाइट,
इनका वजन होता है 1 ग्राम से 10 ग्राम के बीच में, 1 ग्राम से 10 ग्राम के बीच में, सिर्फ बेसिक आपको जानना है, ठीक है। तीसरा होता है फेमटो सैटेलाइट, फेमटो सैटेलाइट, ये जो फेमटो सैटेलाइट होता है ये 10 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में होता है, दस ग्राम से सौ ग्राम के बीच में होता है, ठीक। उसके बाद है आपका पीको सैटेलाइट, पीको सैटेलाइट ये आपके 100 ग्राम से 1 किलोग्राम के बीच में होता है, सौ ग्राम से एक किलोग्राम के बीच में होता है पीको। मैं ऊपर लिख रहा हूं पीको के बाद, पीको के बाद फिर नेक्स्ट होता है आपका नैनो सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट का जो वजन होता है वो 1 किलोग्राम से 10 किलोग्राम के बीच में होता है, 9 के बाद होता है आपका मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट ये होता है आपका 10 किलोग्राम से 100 किलोग्राम के बीच, मिनी सैटेलाइट। मिनी के बाद होता है स्मॉल सैटेलाइट, ये होता है 100 किलोग्राम से 500 किलोग्राम के बीच में। फिर उसके बाद होता है हैवी सैटेलाइट, 500 किलोग्राम से अधिक, हैवी या फिर लार्ज सैटेलाइट भी बोलते हैं। बस एक बार आप इसको देख लीजिएगा, अब इससे क्वेश्चन नहीं आता है कि कौन से सैटेलाइट का कितना वजन है, ये सिर्फ जानकारी के लिए। तीसरा है आपका फेमटो सैटेलाइट, 10 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में, ठीक है। एक बार बस इसकी जानकारी रखनी है, बस और कुछ नहीं, क्लियर। अब जो कार्य के आधार पर सैटेलाइट होते हैं, यानी कौन कौन से सैटेलाइट क्या क्या काम करते हैं, जैसे आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो होता है वो पृथ्वी की मैपिंग करता है, वेदर सैटेलाइट मौसम की जानकारी देता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट संचार के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर नेविगेशन सैटेलाइट आपके जीपीएस या फिर नेविगेशन नौवहन प्रणाली के लिए इस्तेमाल होती है। फिर कक्षा के आधार पर जो सैटेलाइट होते हैं, कितनी दूर पर कौन से सैटेलाइट स्टेब्लिश किए जाते हैं, तो इन सब की कल हम चर्चा फिर करेंगे, उसके बाद फिर हम मेन टॉपिक में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो कल हम फिर लोग टाइम पे मिलते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो क्वेश्चन। सनी जी, 1 ग्राम क्या माइक्रोसेट आर कलाम सेट जो सैटेलाइट है उसका वजन तो 0.64 ग्राम होता है। उपग्रह वे खगोली पिंड होते हैं जो किसी ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। जो उपग्रह भेजे जाते हैं किसी विशेष कार्य के लिए भेजे जाते हैं, वो क्या करते हैं, छोटा सैटेलाइट जो होता है ना वो बस सिग्नल भेजता रहता है, ठीक है। और जितने भी छोटे सैटेलाइट्स हैं
वो मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लोगों ने लॉन्च किए, प्रायोगिक उपग्रह थे। प्रीति जी, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है आपके मेंस में वो यूज के आधार पर आता है, प्रयोग के आधार पर, इनका यूज कहां कहां हो सकता है। ठीक है, तो सैटेलाइट से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यूज के आधार पर होते हैं, प्रयोग के आधार पर होते हैं कि इनका किस किस सेक्टर में यूज होता है और कैसे यूज होता है। जैसे स्पेस तकनीकी का प्रयोग हम चिकित्सा क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं, सोशल क्षेत्र में हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ये भी स्पेस टेक्नोलॉजी की देन है, स्पेस टेक्नोलॉजी की देन है। क्योंकि इसरो ने अगर सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया होता तो 4G सर्विस हमको नहीं मिलती, और 4G सर्विस नहीं मिलती तो झूम ऐप काम नहीं करता, और झूम ऐप काम नहीं करता तो हम आप सामने बैठ के पढ़ नहीं रहे होते, ठीक है। तो कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर स्पेस टेक काम नहीं करता। हाँ, उपग्रह वे खगोली पिंड जो किसी दूसरे खगोली पिंड के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उनको उपग्रह बोला जाता है, ठीक है। बायोसेंसर ऐसे जैविक उपकरण जो जैविक गतिविधियों को विद्युत संकेतों में बदलते हैं। जनरली ऋतु जी जिसका इलाज करना होता है उसी का लेते हैं, ठीक है। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति से लेकर भी हम एंटीबॉडी बना सकते हैं, लेकिन सामान्यतः कैंसर पीड़ित व्यक्ति का ही लेते हैं क्योंकि उनकी कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता ज्यादा होती है। चलिए, हम लोग कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे, फिर आगे की स्पेस की व्याख्यान शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू।